हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनएससी का जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका फिफ्थ चैप्टर। और अगर आपने पहले हमारे पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो एनएससी का जो एग्ज़ाम होना था 3 मार्च को, वो अभी 24 मार्च को हो चुका है। और आपके लिए समय बढ़ गया है प्रैक्टिस करने का, अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइस वराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, दैट इज़ इंडिका, इंडिका राइस। ओके, और जो जापानिका राइस है वो कहाँ मिलता है, जापान में, और जो जावानिका है वो हाँ इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट इज, ड्वार्फ वीट इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दैट इज़ नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो नॉर्मन ई बोरलॉग है उसे उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, और जो एम एस स्वामीनाथन है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज, गोल्डन राइस इज ए राइस सोर्स ऑफ, दैट इज़ विटामिन ए। और जो गोल्डन राइस है वो ट्रांसजेनिक राइस है ये। ओके, नेक्स्ट इज, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज, जो शुगर केन है उसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है, दैट इज़ एरो। ओके, और अगर हम राइस और वीट की बात करें तो उसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है, दैट इज़ पेनिकल। नेक्स्ट इज, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज़ क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, जो शुगर केन है उसकी कौन सी जो ग्रोथ की स्टेज है वो क्रिटिकल है इरीगेशन के लिए, दैट इज़ फॉर्मेटिव स्टेज। और अगर हम इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो जर्मिनेशन होती है 0 to 60 days। ओके, और फॉर्मेटिव स्टेज होती है 60 to 135 days। ओके, और अगर ग्रैंड ग्रोथ स्टेज की बात करें वो है 135 to 250। ओके, और अगर हम राइपनिंग स्टेज की बात करें और मैच्योरिटी स्टेज, वो आती है 250 से जो 365 days। ओके, नेक्स्ट इज, लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट की प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, दैट इज़ गुजरात। ओके, और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस और जो जूट है, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मिलेट्स की प्रोडक्शन है। ओके, मिलेट्स, और उत्तर प्रदेश में की बात करें तो वहाँ पर है वीट। ओके, नेक्स्ट इज, फॉस्फोरस कंटेंट इन डीएपी इज़, डीएपी में फॉस्फोरस कंटेंट कितना है, दैट इज़ 18%। और अगर हम डीएपी में नाइट्रोजन की बात करें तो वो होती है 46%। सॉरी, ये हमसे उल्टा हो गया, जो 18% है वो है हमारा नाइट्रोजन कंटेंट डीएपी में, और जो 46 है वो है फॉस्फोरस। ओके, और अगर हम 32% है जो हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसमें फॉस्फोरस की परसेंटेज होती है। ओके, और कैन में 26% नाइट्रोजन होती है। ओके, नेक्स्ट इज, सनफ्लावर इज़ एन इंडिकेटर प्लांट फॉर, सनफ्लावर जो है वो इंडिकेटर प्लांट किस न्यूट्रिएंट के लिए, दैट इज़ बोरॉन। ओके, और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो उसके लिए है हमारा जो वो है मस्टर्ड। ओके, और अगर पोटाशियम की बात करें तो उसके लिए है पोटैटो, और अगर सोडियम की बात करें उसके लिए है शुगर बीट। ओके, नेक्स्ट इज, नंबर ऑफ सीड टेस्टिंग लैब्स इन इंडिया, पूरे भारत में जो सीड टेस्टिंग लैब्स हैं वो कितनी है, दैट इज़ 124। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज, वाइट एल्कली सॉइल्स आर, वाइट एल्कली सॉइल किन्हें कहा जाता है, दैट इज़ स्लाइन सॉइल्स। ओके, और स्लाइन सॉइल का पीएच जो होता है वो 7 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। ओके, 7 से 8.5। नेक्स्ट इज, ताज गार्डन ऑफ आगरा इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो आगरा में जो ताजमहल है उसके इसके बाहर जो गार्डन है वो किसका एग्जांपल है इनमें से, दैट इज़ मुगल गार्डन। और हमें पता ही है कि ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। ओके, शाहजहाँ ने, और जो शाहजहाँ मुग़ल था तो गार्डन भी मुग़ल ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज़,
फ्रूट्स आर ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग एट दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, 80 डिग्री सेल्सियस पे ब्लेंचिंग किया दिया, और ब्लेंचिंग क्या होती है, इसमें जो फ्रूट्स में जो और प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में जो हमारी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स उन्हें इनएक्टिवेट कर किया दिया जाता है इससे। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट हैवीली प्रोन्ड प्लांट इज दैट इज बेर, और बेर का जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है जिजिफस जुजुबे। ओके, जिजिफस जुजुबे। नेक्स्ट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड था वो कब बना था, दैट इज़ 1984 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ का है, गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा में। ओके ओके, गुड़गांव हरियाणा। और एक और बात आप ध्यान में रखिए, जो गुड़गांव है उसका भी नाम चेंज हो गया है, दैट इज़ गुरुग्राम, गुरुग्राम। ओके, और ये भी ऑप्शन हो सकता है एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट इज़ सुपर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एप्पल का जो सुपर सुपर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है वो कौन सा है, दैट इज़ M27, M27। ओके, नेक्स्ट इज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज मेड बाय, जो पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने बनाया था, दैट इज़ थॉमस फेयरचाइल्ड ने, और इसे क्या कहा जाता था, फेयरचाइल्ड म्यूल, फेयरचाइल्ड म्यूल। ओके, फेयरचाइल्ड म्यूल, और ये किसका क्रॉस था, स्वीट विलियम, स्वीट विलियम इनटू कारनेशन। ओके, कारनेशन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बेसिस इन ए सिंगल टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज दैट इज 10। ओके, 10 बेसिस होते हैं, और हमें पता है कि डीएनए जो है दो वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ऐसे कुछ ऐसा बना होता है इस तरह की, और यहाँ पर ये बेसिस होते हैं हमारे। ओके, इस तरह अच्छे से नहीं बन पाया अभी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोमल डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन, जो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है उसमें डीएनए की डुप्लीकेशन किस फेज में होती है, दैट इज इंटरफेस। ओके, ये प्रोफेज से पहले आता है, और दैट इज इंटरफेस में होती है डीएनए की डुप्लीकेशन। नेक्स्ट इज इंसिडेंस ऑफ ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो इज मोर इन, जो ब्लैक स्कर्फ डिसीज है पोटैटो का वो किस सॉयल में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज सैंडी सॉयल। ओके, और अगर हम ब्लैक स्कर्फ के कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है राइजोक्टोनिया सोलानाई। ओके, राइजोक्टोनिया सोलानाई। नेक्स्ट इज अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक रस्टीज, पहले तो ब्लैक रस्ट को किसका जो डिसीज है, दैट इज वीट, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सीनिया ग्रैमनिस टिटिसाई। ओके, पक्सीनिया ग्रैमनिस टिटिसाई, और वीट का जो डिसीज है तो प्राइमरी होस्ट तो वीट ही होगा, और अल्टरनेट होस्ट कौन सा है इनमें से, दैट इज बारबरी। नेक्स्ट इज रॉयल कमीशंस रिपोर्ट केम इन, जो पहले तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, रॉयल कमीशन जो अपॉइंट किसके लिए की गई थी, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी तो वो आई थी 1928 में, और इसका जो काम किया गया था, इसने कहा था जो एक आईसीआर को बनाने के लिए, ओके, आईसीआर बनाने के लिए रिकमेंडेशन की थी, और इसके बाद 28 में रिपोर्ट आई थी, और 29 में जो आईसीआर बना था। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क, जो मिल्क है उसमें कौन सा एलिमेंट कम होता है, दैट इज़ आयरन, और अगर हम ज़्यादा की बात करें तो वो कौन सा है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, और इसके अलावा विटामिन ए की मात्रा जो मिल्क है उसमें ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट क्लोन डॉली वाज मेड इन, जो डॉली जो क्लोन था वो किस इसमें एनिमल में बनाया गया था, दैट इज शीप, और ये किसने बनाया था, उसका नाम था विल मॉन्ट। ओके, विल मॉन्ट। नेक्स्ट इज नेशनल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, नेशनल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है, दैट इज इज्जत नगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, दैट इज 1972, और जो नाम से पता चलता है ये किसके लिए था, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, और उसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो वो था 1992 में,
और अगर सी टर्टल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो था 1999 में, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड ऑपरेटर स्प्रेज आर ऑपरेटेड एट, जो हैंड ऑपरेटेड स्प्रेज होते हैं वो किस प्रेशर पे ऑपरेट किए जाते हैं, वो है 1 to 7 kg per cm². ओके, 1 to 7 kg per cm². डिस्क एंगल इन डिस्क प्लो इज़, डिस्क प्लो जो है पहले तो वो उसका जो हमें पूछा गया है, डिस्क एंगल पूछा गया है, दैट इज़ 42 to 45 डिग्री। ओके, 42 to 45 डिग्री। नेक्स्ट इज़ लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, जो गंटर्स चेन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, वो है 66 फीट। ओके, और अगर इंजीनियर्स चेन की बात करें तो उसकी लेंथ होती है 100 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एम एफ आर आई इज़ लोकेटेड एट, पहले तो सी एम एफ आर आई क्या है, दैट इज़ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कब बना था, 1947 में। ओके, 1947 में, और इस ये कहाँ पर स्थित, कहाँ पर है ये, दैट इज़ कोची, और कोची कहाँ पर है, केरला में। ओके, कोची केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर इज़, एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक सबसे इनपुट कहा जाता है उसे कहा, वो किसे कहा जाता है, दैट इज़ सीड, और ये भी एक हम इसे कह सकते हैं सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप याद रखिए। ओके, इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हुआ, और आगे और जानकारी के लिए हमारा जो चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी टैप कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे हम लेकर आएंगे अगला पार्ट जो पार्ट नंबर 6 होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और हैव ए नाइस डे, बाय।